आप सभी बच्चों को जोहार। आज के जीके क्विज का सबसे पहला प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? एनी बॉयज एंड गर्ल्स, इस प्रश्न का आंसर कौन देना चाहेंगे? थैंक यू, आपका आंसर सही है। कली कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। आज की जीके क्विज का सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट्सएप से आप लोग सारे लोग परिचित हो क्या? सारे लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, होता है कि नहीं होता है? कोई वैसा भी स्टूडेंट है जो व्हाट्सएप के बारे में नहीं जानता है? सारे लोग जानते हैं। प्रश्न यह है, व्हाट्सएप का आविष्कार किसने किया था? एनी बॉयज एंड गर्ल्स, इधर से आंसर आ सकता है? नहीं, किसी को याद नहीं होगा इसका आंसर। इस प्रश्न का आंसर है ब्रेन एक्टन, ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम, जॉन कॉम। थैंक यू। आज के जीके क्विज का तीसरा प्रश्न, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? कौन आंसर बताएगा? चलो, थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? पवलू कुमार के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। प्रश्न ये था, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका आंसर है शाहजहां। आज के जीके क्विज का चौथा प्रश्न, यह साइंस से है, विज्ञान से है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके क्विज का पांचवा प्रश्न, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? सोना। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रभाकर पांडे। प्रभाकर पांडे के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। आज के जीके क्विज का छठा प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या है? नहीं, आ सकती हो? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? कल्याणी कुमारी। कल्याणी कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके क्विज का सातवां प्रश्न मैथ से है, ध्यान से सुनेंगे, वह भी एलजेब्रा से। एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर माइनस दो बराबर क्या होगा? आज के जीके क्विज का सातवां प्रश्न, एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर माइनस दो बराबर क्या होता है? तुम बताओगे, कैसे बताओगे? अच्छा ठीक है, चलो। थैंक यू, आपका आंसर सही है।
ये मैं जानता हूँ कि तुम इसे कैलकुलेशन नहीं कर सकती हो, लेकिन यह भी कम बड़ी बात नहीं है कि सुन के भी बतला रही हो। थैंक यू। क्या नाम है? सोनाक्षी कुमारी। सोनाक्षी कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। वन आंसर कैसे होगा? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? एक्स स्क्वायर गुना एक्स का पावर माइनस दो बराबर वन, कैसे आ सकते हो? आज के जीके क्विज का आठवां प्रश्न, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कौन बताना चाहेगा या चाहेंगे? प्राइम नंबर किसे कहते हैं आप बताएंगे? दो फैक्टर दो। आंसर अच्छा से बोलना होगा। और कोई? दो का गुणनखंड होगा। और कोई? जिसका दो फैक्टर होता है। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? संगीता कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब जैसे सेवन एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका फैक्टर दो कैसे होगा? आपको चेक ये करना होगा कि सेवन कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, पूर्ण रूप से भाग लगता है। तो सेवन वन से पूर्णतः डिविजिबल है और सेवन से पूर्णतः डिविजिबल है। वन और सेवन के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसे सेवन डिविजिबल है। सेवन और किसी संख्या से कटता है? नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं सेवन के कितने फैक्टर हुए? दो, और सेवन प्राइम नंबर है। तीन भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि तीन का भी दो फैक्टर है। कौन कौन? एक और तीन के अलावा कोई फैक्टर है? नहीं है। यहाँ तीन का भी मात्र दो फैक्टर है, इसलिए तीन भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का परिभाषा क्या हो गया? वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। फैक्टर्स मतलब होता है जैसे तीन एक प्राइम नंबर है, तो तीन किससे किससे कट रहा है, किससे किससे पूर्णतः डिविजिबल है, तो एक से है तो एक को फैक्टर्स कहते हैं। तीन तीन से डिविजिबल है तो तीन को हम तीन का फैक्टर कहेंगे। आज के जीके क्विज का नौवां प्रश्न, भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोई इसका आंसर बताना चाहेंगे? प्रेमलता बताइए। नहीं, इस प्रश्न का आंसर है कोचीन शहर, जिसे हम लोग अब जानते हैं कोची शहर। कोचीन और कोची दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन शहर या कोची शहर भी। आज के जीके क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आ सकती हूँ? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ शेयर भी।
हमारे मुरली सर के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज का जीके क्विज यहीं समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट को जीके क्विज में शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए, आंसर देने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।